ये देखिए दोस्तों, क्या ही जबरदस्त आ रहे हैं हमारे मथुरा के पेड़े, टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं ना, एकदम हलवाई स्टाइल, एकदम मथुरा स्टाइल। इसी तरीके से आप भी बनाइए टेढ़े मेढ़े, इनको परफेक्ट मत बनाइएगा, अगर परफेक्ट बना दिए तो ब्रांड मथुरा के पेड़े नहीं लगेंगे ये। तो चलिए आप देखिए वीडियो कितना आसान है ये बनाना, मथुरा के पेड़े टेढ़े मेढ़े। दोस्तों मथुरा के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले जा रहा है ये 1 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी, जा रहा है हमारा 2 कटोरी मिल्क पाउडर, हमने ये इस कटोरी से लिया है सारा नाप, तो ये इस हिसाब से जा रहा है 2 कटोरी मिल्क पाउडर। बहुत ही धीमी आंच में आप इसको पकाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए धीरे धीरे। आप इसमें इसी के साथ 1 करछी और देसी घी डालेंगे। इसी स्टेज में अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 करछी देसी घी और अच्छी तरीके से मिक्स करिए और भुनने दीजिए इसको। दोस्तों अब हम डालेंगे इसमें मिल्क, हम ले रहे हैं इसमें कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी मिल्क, धीरे धीरे करके डालेंगे आप। पहले थोड़ा सा डालिए, फिर थोड़ा और डालिए, इसको मिक्स करिए, फिर थोड़ा और डालिए और फिर थोड़ा और डालिए। तो अभी थोड़ा सा चला गया है, अब हम थोड़ा और डाल देते हैं। इसमें लम्प्स बनेंगे, आपको वो लम्प्स धीरे धीरे करके हटाने हैं। मिल्क से क्या होगा, एक तो ये आपका सुनहरा रंग लाने में बहुत हेल्प करेगा, जैसा कि पेड़ों का रंग होता है। थोड़ा और मिल्क बचा हुआ है, ये वापस उसको भी डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एक डो जैसा बना लेंगे। सिंपल रेसिपी है दोस्तों ये, और एकदम फटाफट बनती है, टेस्ट में बाजार जैसी, एकदम मथुरा का स्वाद। जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है, आप इस तरीके से बनाइए मथुरा के पेड़े। हमारा सूख जाएगा, उसके बाद ये फिर से क्रम्बल्ड ब्रेड की तरह हो जाएगा। टोटल टाइम जो लगेगा 1 घंटे के आसपास लगेगा इसे बनाने में। एक तरीके से हमारा मावा तैयार हो गया है अभी, अब हमें पेड़े का मटेरियल बनाना है, मतलब कि इसको थोड़ा इसका रंग चेंज करना है। तो वो सब करने के लिए आपको इसको बस ऐसे ही ऐसे सॉटे करते रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस स्टेज पे आ गया है, अभी थोड़ा और क्रम्बल्ड होगा ये और थोड़ा और इसका कलर चेंज होगा। तो चलिए थोड़ा और भूनते हैं हम इसको। ये जो पेड़ा है ना, बनता बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी आपकी इसमें, थोड़ी हाथों की मेहनत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें चलाते चलाते इसको आधा घंटा तो हो ही गया है। चीनी की जगह पे हम यूज़ करेंगे बूरा, आपको इसमें बूरा ही यूज़ करना है, वो ही लाएगा इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट। तो ये देखिए अभी ये हमारा वापस क्रम्बल्ड शेप में आ गया, अब ये और क्रम्बल्ड होगा, साथ में फिर ये और थोड़ा सा डार्क कलर होगा इसका, डार्क ब्राउन। तो चलिए भूनते रहना है आपने, और आपको ये भी देखना है कि ये जले ना। देखिए दोस्तों हमारा इस स्टेज पे आ गया है, अभी भी हमें इसको भूनते रहना है, अभी हमने इसको और थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और नटमेग पाउडर, और फिर इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके ऊपर चीनी। इतना लाजवाब बन रहा है, मेरे को तो अपने बचपन की याद आ रही है, और हमारे एक अंकल होते थे वो मथुरा के थे, तो जब भी वो दिल्ली आते थे वो स्पेशली मथुरा के पेड़े ले करके आते थे। अब तो हमने इसको खुद ही बना लिया है, आप भी इस वीडियो को देख करके अपने घर में खुद ही बना सकते हैं मथुरा के पेड़े इस जन्माष्टमी पर। ये दोस्तों ये इस स्टेज पे आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे और एक मिक्सी में करेंगे ग्राइंड। देखिए दोस्तों मटेरियल हमारा हो गया है तैयार, अब इस स्टेज में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नटमेग पाउडर घिस करके, बिल्कुल थोड़ा सा ये नटमेग पाउडर डालना है आपको, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। हमने देखिए थोड़ा सा ही घिसा है, और अब जा रही है ये कार्डेमम पाउडर 1 चम्मच, हरी इलायची का पाउडर, इन सबको मिक्स कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
इसको आप ऐसे भी हाथ से भी गूंद करके इसका डो बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी, तो इसके लिए हम इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में कर लेंगे ग्राइंड। हमारा मिक्सचर हो गया ठंडा, हम डाल देते हैं अपने मिक्सी के जार के अंदर। ये हमारा सारा पिस चुका है, कोर्स ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर चीनी, हमने चीनी भी इसी कटोरी से नाप करके ली है, आधा कटोरी। आप अपने हिसाब से डालिए चीनी स्वाद अनुसार। हमने लिया है बूरा चीनी का, इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। अब हम डाल रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध, अच्छी तरीके से मिक्स करिए, एक डो बनाइए। तो इस प्लेट में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं बाउल के अंदर और इसमें बनाऊंगा फर्स्ट क्लास सा एक डो। को जो दूध है वो धीरे धीरे करके डालना है। अभी हमने 2 टेबल स्पून डाली है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। और ये चला गया 2 टेबल स्पून ऑफ। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का मॉइस्ट आपको इसका डो बनाना है। अब आप लीजिए ये अपने हाथों पे और इसके बनाइए आप जबरदस्त से पेड़े। पेड़ों में क्या होता है, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से ही होते हैं, तो आप भी टेढ़े मेढ़े से ही बनाइए, गोल बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये इस टाइप का पेड़ा हमने बना लिया है। के बाद ये लीजिए एक प्लेट और इसको कर दीजिए रोल। ये चीनी का बारूदा है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना गजब का मथुरा का पेड़ा। तो चलिए सारे बनाते हैं और फिर हम सर्व करते हैं। जबरदस्त बनते हैं ये इस तरीके से। ये पेड़े बनाने में बहुत ही आसान, इसको आप कंटेनर में पैक करके रख दीजिए, फ्रिज के अंदर रखिए, बाहर रखिए, ये ऑलमोस्ट ये 30 दिन तक तो आराम से चलते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेता हूँ। ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं हमारे मथुरा के पेड़े। इनमें सिर्फ फर्क यही होता है कि ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छी शेप दे देंगे तो ये मथुरा के पेड़े नहीं कहलाएंगे। तो आप इनको हल्का सा दबाइए, हल्की सी कैसी भी शेप दीजिए। ये देखिए, इनको रोल कर दीजिए शुगर के हल्का सा बस। तो ये तैयार हो गए हैं, इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बनेंगे, दिखने में भी जबरदस्त, खाने में भी जबरदस्त। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बनके तैयार आ गए हैं हमारे मथुरा के पेड़े, एकदम जबरदस्त मथुरा स्टाइल, टेढ़े मेढ़े, खुशबू जबरदस्त आ रही है, लुक में भी जबरदस्त है ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लग रहे हैं ना, एकदम मथुरा के हलवाई स्टाइल में। हमने इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही लिमिटेड यूज किए हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाएंगे। हमने यूज किया मिल्क पाउडर, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी, और ऊपर से डाला है हमने फ्लेवर के लिए हल्की सी 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और हल्का सा नटमेग पाउडर। बस इतनी ही चीजों से ये जबरदस्त बन करके आया है, मथुरा के पेड़े टेढ़े मेढ़े। तो जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, आप इसको बनाइए जन्माष्टमी के त्यौहार पे अपने अपने घरों पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।